मैंने एक सोल्डरिंग स्टेशन बाई किया है जिसका मॉडल नंबर है T12X। ये सोल्डरिंग स्टेशन OESS टीम के द्वारा बनाया गया है। ये मेड इन चाइना है और यहाँ पर दिखा दें, ये एक बहुत ही बेस्ट सोल्डरिंग आयरन है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इंटेलिजेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोफेशनल सोल्डरिंग स्टेशन है। ये इसमें बहुत सारे कुछ फीचर हैं जो कि इस मैनुअल में लिखे हैं। इसको हम यहाँ पर दिखा दें कि इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए दो बॉक्स मिले हैं और दोनों डिब्बे यानी दोनों बॉक्स में अलग अलग ये है। इसके साथ ये इसका जो है स्लिप सीट है जहाँ पे इसके आयरन के हैंडल को रखा जाता है। और ये मेन केबल है, ये दो सामान हो गए। और इसमें आपको दिखा दें, ये इसका सोल्डरिंग बिट। इसके साथ में एक ही ए टिप मिलता है, सोल्डरिंग टिप जो इसके साथ में है। एक मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदा है, उसे अभी दिखाते हैं। और ये है इसका जो है सोल्डरिंग हैंडल, ठीक है। और ये टिप हो गया और ये सोल्डरिंग हैंडल हो गया। ये ग्राउंड केबल है, ये इतना सामान इसके साथ में था। और यहाँ पर देखें, ये है इसका कॉपर, अरे ये सॉरी, ये है सिलिकॉन पैड और ये है कॉपर वायर वाल्व जो आयरन के टिप को साफ़ करने का काम आता है। तो टिप के साफ़ करने के लिए तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं, एक वायर वाल्व दिए हैं और ये इसमें क्लीनिंग स्पंज दिए हैं। ये है इसका सोल्डरिंग स्टेशन मेन। तो ये इसका इतने सामान है जो इसके डिब्बे में पैकिंग में था। तो पैकिंग के साथ हमको इतने सामान मिले हैं। इसे मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगा और देखूँगा इसके परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको इसको ऑन करके और फिट करके दिखाते हैं, तो देखते रहिए। इस सोल्डरिंग स्टेशन को हमको ख़रीदने का बहुत ही ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय जो है SMD लेवल की सारे कंपोनेंट होते हैं और रिपेयरिंग के समय जो है टेम्परेचर के बहुत सारे इशू आते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो हमने कई सोल्डरिंग आयरन यूज किया और उसके बाद हमने इसको भी मंगाया है और इस पर देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्स इससे मिलते हैं और क्या इसका क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि मैंने कई सोल्डरिंग स्टेशन देखे जो मीडियम रेंज में बेस्ट हमको ये लगा, तो इसलिए हमने इसको बाई किया है। अब इस प्रोडक्ट यानी इस सोल्डरिंग स्टेशन का कुछ पैरामीटर है जो आपको बता दें। यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोडक्ट का नंबर है OESS T12X और इसका टेम्परेचर रेंज है 80 से 480 सेल्सियस और ऑटोमेटिक स्टैंड बाई है। और इसमें जो है हीटिंग मेथड जो इंटेलिजेंट PID टेम्परेचर कंट्रोल, वोल्टेज रेंज 100 वोल्ट से 240 वोल्ट यानी 100 से 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों के लिए। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 10 से 50 सेल्सियस और 50 से 122 फ़ारेनहाइट। इस सोल्डरिंग स्टेशन की अगर पावर कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 75 यानी 75 वाट का है और इसका टेम्परेचर प्रीसेट यानी आप इसको तीन टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं जैसा आप चाहें, जैसे इसमें 200 या 350 450 सेल्सियस पे। और ऑटोमेटिक स्लिप यानी ये जो है आप जितने पे सेट कर देंगे उतने पे ये स्लिप मोड में चला जाएगा। अगर यूज नहीं करना होगा तो आपका ये आयरन अपने आप ऑटोमेटिक जितने आप सेटिंग किए होंगे उसी के टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और इसका डिस्प्ले है LCD। अभी से आप इसे हैंडल को इस तरीके से टाइट करके और इस टिप को ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको इस हैंडल में ऐसे यहाँ पे फिट कर देना है यानी इसे जो है इस तरीके से यहाँ पे इसे अंदर की तरफ प्रेस करके ऐसे पुश कर देना है और ये अपने आप इंटरनल बैठ जाएगा। अब ये है इसका मेंस लीड और मेंस जो है इसके सोल्डरिंग स्टेशन के बैक साइड में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से ये फिट हो जाएगा।